हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे इंटरप्ट क्या होता है। ये इंटरप्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सिग्नल्स टाइम टू टाइम जनरेट होते रहते हैं और उस सिग्नल्स को हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट की बात की जाए तो इंटरप्ट किसी भी हार्डवेयर से या फिर सॉफ्टवेयर से प्रोड्यूस होने वाला एक सिग्नल होता है जो कि सीपीयू को एक मैसेज देता है कि एक टास्क, एक प्रोसेस अर्जेंटली कंपाइल करना है, अर्जेंटली इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो ये जो इसी को हम लोग इंटरप्ट कहते हैं। सपोज करो सीपीयू के अंदर, सीपीयू में पहले से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसी सॉफ्टवेयर को या डिवाइस को अपना एक प्रोसेस मोस्ट अर्जेंटली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कराना है, तो वो क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा सीपीयू को कि आपको मेरा एक प्रोसेस मोस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू अपने अंदर जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको एक टेम्पररी मेमोरी में भेज देता है और उसको वेट कराता है। ओके, टेम्पररी मेमोरी में भेज करके उसको थोड़ी देर के लिए वेट कराता है, और कितने समय के लिए वेट कराएगा, जितने टाइम में जो मोस्ट अर्जेंट प्रोसेस है जो कि किसी भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर से आ रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोग, आपको समझ में आ रहा होगा इंटरप्ट हम लोग किसको कहते हैं। इंटरप्ट एक ऐसा मैसेज को कहते हैं जो कि डिवाइस या सॉफ्टवेयर से सिग्नल के फॉर्म में जनरेट होता है, सीपीयू तक आता है और सीपीयू में एक इंटरप्ट पैदा करता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग इंटरप्ट कहते हैं। इसका नाम भी इसी में पड़ा है, इंटरप्ट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, किसी भी चीज़ में बाधा डालना। तो सीपीयू में पहले से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें ये इंटरप्शन कर रहा है, इस काम को ये बाधित करता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ताकि इंटरप्ट को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो देखिए, अगर सबसे पहले तो हम इंटरप्ट क्या होता है इसके पॉइंट्स को हम समझते हैं। तो इंटरप्ट सिंपल एक सिग्नल है, आप देख सकते हैं, इंटरप्ट इज अ सिग्नल इमिटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। व्हेन अ प्रोसेस और एन इवेंट नीड इमीडिएट अटेंशन, अगर कोई भी प्रोसेस है या कोई भी इवेंट है वो एक इमीडिएट अटेंशन चाहता है, तो एक सिग्नल के फॉर्म में इंटरप्ट जेनरेट होता है। वो इंटरप्ट का काम क्या है, ये इंटरप्ट प्रोसेसर को अलर्ट करना है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एक एग्जीक्यूशन का आवश्यकता है, इसको आप एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो वो सिग्नल सीपीयू को, प्रोसेसर को इंटरप्ट कर देगा फॉर देयर प्रोसेसिंग ऑफ एनी अदर प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन का। ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता क्या, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है ये एक बस से कनेक्टेड होते हैं, बस कंट्रोल लाइन से ये कनेक्टेड होते हैं, और इसी बस कंट्रोल लाइन से इंटरप्ट का सिग्नल प्रोसेसर तक पहुंचता है, और इस बस कंट्रोल लाइंस को हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। जनरली इंटरप्ट सर्विस रूटीन में प्रोग्राम काउंटर के फॉर्म में प्रोसेस का जो भी प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट हैं, वो स्टोर किए जाते हैं। ओके, अगर कभी भी कोई डिवाइस कोई भी इंटरप्ट को रेज करता है, मान लीजिए वो आई है, कोई भी इंटरप्ट कोई प्रोसेस है आई, उसके रिगार्डिंग कोई डिवाइस एक इंटरप्ट क्रिएट कर रहा है, रेज कर रहा है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले जो भी इंटरप्शन में प्रोसेस आ रहा है इमीडिएट अटेंशन के लिए उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक।
प्रोसेस में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो ISR है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इसके प्रोग्राम काउंटर को लोड कर देगा। ठीक, किस एड्रेस पे? तो उसी एड्रेस पे जहाँ पर, जहाँ से सिग्नल मिल रहा था प्रोसेसर। ठीक है, अब देखिए, बिफोर लोडिंग द प्रोग्राम काउंटर विद द एड्रेस ऑफ इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन इज मूव टू अ टेम्पररी लोकेशन। ओके, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन इंटरप्टेड था, जिसको हमने रोक दिया था बीच में ही फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ मोस्ट प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस, उसको प्रोसेसर क्या करता है, टेम्पररी लोकेशन पे भेज देता है। ओके, व्हाइल द प्रोसेसर इज हैंडलिंग द इंटरप्ट, इट मस्ट इन्फॉर्म डिवाइस दैट इट रिक्वेस्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज। अगर प्रोसेसर किसी इंटरप्ट को हैंडल कर रहा है, इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोसेसर का एक और काम होता है कि वो डिवाइस को ये इन्फॉर्म कर दे कि उसका जो प्रोसेस है वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपके इंटरप्शन को हम हैंडल कर रहे हैं, ताकि डिवाइस बार बार इंटरप्शन का सिग्नल ना भेजे। ठीक है ना, नहीं तो पता चला कि प्रोसेसर को इंटरप्शन का सिग्नल मिल भी गया, प्रोसेसर उस इंटरप्शन को हैंडल भी करने लगा, उसके बाद भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर लगातार सिग्नल सीपीयू को भेज रहा है कि भैया इसको पहले आप करो, इसको इमीडिएट अटेंशन प्रोवाइड करो। तो सीपीयू को जैसे मिलता है कोई भी इंटरप्ट, सीपीयू उस डिवाइस को, रिगार्डिंग डिवाइस को या फिर सॉफ्टवेयर को ये इन्फॉर्म कर देता है कि आपका जो इंटरप्ट है उसको हम हैंडल कर रहे हैं, आपको दोबारा से सिग्नल भेजने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंटरप्ट को बेहतर तरीके से आपको समझा पाते हैं। एक और पॉइंट है जिसको हम देखते हैं, वो है सेविंग द रजिस्टर्स सो दैट इंटरप्टेड प्रोसेस कैन बी रिस्टोर्ड इन फ्यूचर इंक्रीजेस द डिले बिटवीन द टाइम an interrupt is received and the start of the execution of ISR. This is called interrupt latency. आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।